अपने जैसा इससे पहले खत पर वाक्य नुकात पर किस तरीके से उमूद बनाया जाता है इसके बारे में पिछले वीडियोस में मालूम हासिल की। इससे पहले हमने देखा कि खत के बाहर जो नुकात वाक्य है उस पर किस तरीके से उमूद खींचा जाता है। कागज़ की तयकारी के जरिए पहला तरीका हमने जांच लिया है। अब दूसरा तरीका का गुनिये का इस्तेमाल करके हम किसी खत के बाहर वाक्य नुकते पर किस तरीके से उमूद खींच सकते हैं। तो सबसे पहले स्केल की मदद से हमने एक खत बनाया जिसका नाम हमने एक्स वाई दिया। अब हम खत के बाहर कोई नुकता यहाँ पर नुकता पी लेंगे। ये हो गया हमारा नुकता पी और ये खत के बाहर है, यानी खत जो है हमारा इस तरीके से इधर जा रहा है और ये खत से दूर एक तरफ खत के बाहर नुकता पी है। अब इस नुकता पी की मदद से हमें इस खत एक्स वाई के ऊपर उमूद खींचना है और इस्तेमाल करना है हमें गुनिये का। तब आपके कंपास बॉक्स में दो तरह के गुनिये होते हैं, दोनों में से किसी भी गुनिये का आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप गुनिये को इस हालत में रखेंगे कि ये जो खत एक्स वाई है ये पूरी तरीके से मस करता हुआ मुंतबिक हो जाए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको पूरा खत एक्स वाई नज़र आना चाहिए। साथ ही साथ धीरे धीरे आप उसको इधर ले जाकर उसका पी से टच कीजिए। नुकता पी से जब वो मस हो जाता है और इधर भी एक बार देख लिया कि एक्स वाई पर वो है या नहीं, अगर ये हालत में ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये उमूद नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं उमूद बनाने के लिए हमको 90 दर्जे का जाविये की जरूरत होती है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये नुकता पी से भी मस हो जाए और खत एक्स वाई को मस करता हुआ सीधा मुंतबिक हो जाए। अब हम देख रहे हैं ये हालत में यहाँ पर ये नुकता पी से भी मस हो गया है और साथ ही साथ खत एक्स वाई के ऊपर भी पूरी तरीके से आ गया है। अब हम इसकी मदद से यहाँ पर एक खत खींचेंगे। इसी खत को हम सीधे आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे सामने एक खत तैयार हो गया, इसको हम नाम यहाँ पर इसके नुक्ते का खाते पर एस नाम दे देते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई के ऊपर खत पी एस उमूद बन गया है। इसकी जांच आप चांदी के जरिए कर सकते हैं, चांदी की मदद से कर सकते हैं। चांदी का मरकजी नुकता अगर आप यहाँ रखें तो ये 90 दर्जे का जाविया आएगा, क्योंकि हम जानते हैं उमूद बनाने के लिए हमको 90 दर्जे के जाविये की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से गुनिये का इस्तेमाल करके हम दिए हुए खत पर बाहर के नुकते से उस खत पर उमूद खींच सकते हैं।